बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मानो। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रीमी पास्ते की रेसिपी। मैंने एक देगची में पानी उबालने के लिए रख दिया है पास्ता के लिए। पास्ता मेरा 2 कप है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल का ऐड किया है। पानी देखिए अच्छी तरह से हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें अपना पास्ता शामिल करती हूँ। अब देखिए मैंने इसमें पास्ता शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जैसे मेरा पास्ता बॉयल होगा फिर मैं इसको निकाल के साइड पर रख दूँगी और साथ ही हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी सॉस बनाना। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच तेल के लिए, तेल थोड़ा गर्म हो जाए। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन मेरा बोनलेस है। अब मैं अच्छी तरह से चिकन को थोड़ा फ्राई करूंगी। चिकन थोड़ा फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सॉल्ट का ऐड करूंगी। इसके अलावा मैं इसमें कोई चीज नहीं शामिल करूंगी। अच्छी तरह मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। अब मुझे चिकन को अच्छी तरीके से पकाना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि चिकन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अब देखिए 5 मिनट बाद मेरा सारा पानी खुश्क हो गया और चिकन मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं चिकन को प्लेट में निकाल के साइड पर रख दूंगी। अब हम पास्ता के लिए अपनी सॉस रेडी कर रहे हैं। इसी पैन में ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन का शामिल किया है। मक्खन थोड़ा मेल्ट हो जाए तो साथ ही मैंने इसमें चॉप गार्लिक इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो गार्लिक पाउडर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे फ्रेश अच्छा लगता है तो मैंने फ्रेश गार्लिक ही चॉप करके डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड किए हैं। मैदा ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और इसमें मुसलसल मैं चम्मच चलाती रहूंगी ताकि मेरी सॉस बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। साथ ही मैंने इसमें 1 कप दूध का शामिल कर दिया है। अब मैं मुसलसल इसमें चम्मच चलाती रहूंगी ताकि मेरी सॉस नीचे ना लगे और मेरा फ्लेम मीडियम है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे हम वरना ये जल जाएगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने व्हाइट पेपर ऐड की है। अब मैं इसको अच्छी तरह से सॉस में मिक्स करूंगी। मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती रहूंगी ताकि सॉस नीचे ना लगे। अब देखिए मैदा हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया और उसने पैन भी छोड़ दिया। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब देखिए कितना जबरदस्त इसका कलर आया, खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है। अब साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करूंगी। सॉस में मैंने चीज डाल के इसको अच्छी तरह से हिलाया, चीज हमारी मेल्ट हो रही है। साथ ही मैंने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था अब मैं इसमें वो शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से चिकन को भी सॉस में मैं मिक्स कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ओरिगानो पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सॉस में और बहुत ही मजेदार टेस्ट आता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो वेजिटेबल अगर नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने चॉप करा था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 मैंने गाजर ली, उसको मैंने चॉप करा, मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने आधी बंद गोभी, उसको भी कट करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही कलरफुल और क्रीमी पास्ता रेडी हो रहा है हमारा और बहुत अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें जो मैंने अपना पास्ता बॉईल करके रखा होता वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। और लीजिए, हमारा बड़ा ही मज़ेदार क्रीमी पास्ता रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।